ऐसे तो शायद ये थोड़ा सा ऐसे था, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है इसमें फॉर एग्जांपल, लेकिन ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर भी हो सकता, दोनों ही हो सकते हैं ना, ठीक है। ये मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे ये इजी रहता है बताना। तो ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में एंटर हो रहा है। अब लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में एंटर हो रहा है, थोड़ा सा ये डिफ्लेक्स्ड होता है तभी ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन लेता है। अगर साथ साथ लेकिन इसकी फ्लेक्शन और डिसेंट इसमें भी रहना है, वो दोनों कंपोनेंट्स रहेंगी तो आगे जाएगा, नहीं तो आगे जाएगा ही, ठीक है। सो वो चलते रहेंगे, यूं चलते रहेंगे। ये आ गया जी, अब एलिवेटर एन आई के लेवल पे टच कर गया ऑक्सीपिट। अब इसने सोचना है कि मैं क्या करूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा ज़्यादा अगर डिफ्लेक्स्ड होगा ना तो ये रोटेशन शॉर्ट लेगा, क्योंकि इसके पास इतनी जगह नहीं। ये पीछे सेक्रम को यूज़ करेगा हॉलो को, और ये रोटेट होके ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो जाएगा, और उसके बाद ये पर्सिस्टेंट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में डिलीवर होगा। ये चलेगा ऐसे ही फ्लेक्शन, अगर ये और एक्सटेंड होता रहेगा ना तो फिर ये डिलीवर नहीं होगा, इसकी फ्लेक्शन होनी है। और एक्सटेंड हो जाएगा तो फिर ये ब्रॉ बन जाएगा, फिर ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल का मतलब हो गई है। सो अब ये इसी तरह थोड़ा थोड़ा साथ साथ फ्लैक्स होता रहेगा, डिसेंट होता रहेगा, फेस टू प्यूज बाहर आएगा। अब यहाँ पे ये फ्लेक्शन से डिलीवर होगा, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सटेंड होगा तो बॉडी के ऊपर हमारा गर्दन पीछे नहीं जा सकती है, ठीक है। सो ये फ्लेक्शन से डिलीवर होगा, इसमें ये चेंज होता। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये प्रसिस्टेंट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में चला गया था, लेकिन ये क्या हो सकता है, अगर ये अच्छा फ्लेक्स्ड है तो ये एंटीरियर रोटेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसको अब जगह, ये फ्लेक्स्ड है, इसको जगह मिल रही है, ये यूं घूमना शुरू। यहाँ पे अब ये डीप ट्रांसवर्स रेस्ट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। ये निकल गया यहाँ से और ये टोटल रोटेट होकर ऑक्सीपिटो इंटीरियर हो गया, और फिर फर्दर वही मैकेनिज्म है जिससे डिलीवर हो जाएगा। सो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर तीन फेज ले सकता है, या तो वो शॉर्ट रोटेशन ले और इस तरह ही डिलीवर हो जाए, या वो डीप ट्रांसवर्स रेस्ट हो जाए, या फुल रोटेशन ले ले और नॉर्मल मैकेनिज्म लेबर को फॉलो करते हुए वैसे डिलीवर हो जाए।